नमस्कार, मैं दिव्यांशु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं YF स्टूडियोज। कोरोना अपने साथ अंधविश्वासियों का भी एक पैकेज लेकर आया है। भारत के लगभग सभी हिस्सों में इन दिनों इन्हीं का बोलबाला है। फरुखाबाद से लेकर बलौद तक में महिलाएं सिलवट्टे पर चावल या आटा डालकर बेलन या फिर बट्टा खड़ा कर रही हैं। जिसका बट्टा बेलन सिलवट्टे पर खड़ा हो गया वो मान रहा है कि वो कोरोना से बच गया, और जिसका नहीं खड़ा हुआ वो कोरोना देवी से माफ़ी मांग कर दोबारा इन्हें खड़ा करने में लग जाता है। वैज्ञानिक सोच वाले लोग इस सिलवट्टा बेलन के खेल पर हंस सकते हैं, लेकिन इसे खेलने वाले किसी की भी हंसी से बेपरवाह अपनी अक्ल पर बट्टा बेलन फेरने में लगे हुए हैं। कोरोना की अभी तक कोई श्योर शॉट दवा नहीं आई है। फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क ही अभी इससे बचने का सबसे भरोसेमंद रास्ता बना हुआ है। लेकिन लोग मास्क की जगह रिश्तेदारों के घर जाकर उनके बाएं पैर के अंगूठे पे हल्दी या मेहंदी लगा रहे हैं। जिसकी मेहंदी गाढ़ी रची उसे लग रहा है कि कोरोना देवी मान गई। हमारे देश में कोरोना का जो कहर बरस रहा है उसके फैलने में देश की जनता ही जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर गाँव का सरपंच और ट्रैफिक पुलिस तक सब कह रहे हैं कि भाइयों और बहनों, कोरोना से बचना है तो घर में रहो, बार बार हाथ साबुन से 20 सेकंड तक धोते रहो, सामाजिक दूरी बना कर रखो, सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह का सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित मत करो। कोरोना की चेन तोड़नी है तो यही रामबाण उपाय है। बस अपने अपने घरों में रहो और सुरक्षित रहो। अगर कोरोना का फैलाव काबू से बाहर हो गया तो इस देश का क्या होगा, बल्कि इस दुनिया का क्या होगा, ये कहने के लिए भी कोई जिंदा नहीं बचेगा। दूसरी बात, कोरोना महामारी का ये वायरस पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है, यानी सेक्युलर है। उसे किसी धर्म से, जात पात से, ऊंच नीच से, अमीर गरीब से, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी से, किसी प्रांत से, किसी भाषा से, किसी पंथ से कोई परहेज नहीं। उसकी चपेट में आया तो बस उससे दबोचना, यही उसका काम है। अगर किसी को कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो खुद अपने आप किसी हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर्स को बता दें और टेस्ट करवा लें। अगर कोरोना हो तो डॉक्टर्स की सलाह मान ले, इससे डरने से कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। हम सबको मिलकर COVID-19 नाम की इस खतरनाक बीमारी को मात देनी है। अपने हाथ साबुन से लगातार धोएं, भीड़ से और बाकी लोगों से दूरी रखें, अपने घर से बाहर ना निकले जब तक सरकार का आदेश ना हो। इस देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस और बाकी सरकारी कर्मचारी COVID-19 से लड़ने में जुटे हुए हैं। आओ हम सब उनकी सहायता करें। घर पर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।